और मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, मतलब पहुँच ही चुका हूँ ऑलरेडी, ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं। तो आज रक्षा जी बोल रही है कि एक बढ़िया से आपके लिए डिश बनाऊंगी, तो वो रेसिपी वो आपको ब्लॉग के अंदर दिखाएगी आगे। ये हमारा सर्फ एक्सल लिक्विड, कितने लीटर वाला? ये 2 लीटर। और ये मेरा फेस वॉश, मैं ये यूज करती हूँ वाइटिक का। और रक्षा बात कर रही है नरेश भाई से। अगर वो जाएंगे तो कर लिया। वाओ, देख लो गाइस। हेलो गाइस, तो वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग कपिल रक्षा फैमिली ब्लॉग में एक बार दोबारा से आप लोगों का स्वागत है। और दिन की शुरुआत हो चुकी है एक बार दोबारा से। और मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, मतलब पहुँच ही चुका हूँ ऑलरेडी, ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं। तो देखते हैं रक्षा ऑफ का है। गुड मॉर्निंग बोला पापा से। पापा स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाना है? मामा मुझे तो ये समझ आ रहा है, कोई बच्चे तो स्कूल जाने के लिए मना करते हैं, हमारी बेटी रोती है स्कूल जाने के लिए, इसको स्कूल जाना है। देख लो इसकी सुबह सुबह उठते के साथ ही मस्तियाँ शुरू। आ जाओ ऊपर, गंदी बात होती है। चलो खड़े हो जाओ। पापा मार्केट कलर चाहिए। हैं? क्या चाहिए? कलर। हाँ। अभी देंगे, पहले नहाओगे तो नहा के धो के फिर चलेंगे स्कूल। कहाँ जाएंगे? तो गाइस आज जैसे कि मैं पार्क गया था, लेकिन मेरा मन नहीं था आज सुबह जाने का, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी आज ढीली लग रही थी मुझे। और फिर भी मैंने सोचा कि डेली रूटीन क्यों तोड़ी जाए, मिनिमम 5 चक्कर काटने हैं, तो वो काट के आ जाता हूँ। तो वो काट के आ गया। वो क्या करने गई देखना। A few moments later. जा रही है स्कूल। कह रहा हाय बोल दो सबको। हेलो गाइस बोल दो। ये क्या हो गया, इसकी छोटी सारी नीचे आ गई है। और इसका स्कूल स्कूल का बड़ा क्रेज है। हाँ अच्छा, पापा को नहीं बताया? गुड्डू बाय कर दो सबको, हेलो गाइस कर दो। आ जा जा। ये बहुत ड्रामे बात है गाइस, बहुत ड्रामा है। बाय। पापा को फोन नहीं चाहिए? चल नहीं दे रहे तेरे पापा को फोन, गेट आउट। सो गाइस मैं हो गया हूँ रेडी काम पे जाने के लिए, और यहाँ पर मेरे साथ रक्षा बैठी हुई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग।
तो गाइस गुड आफ्टरनून हो रहा है। गुड आफ्टरनून 12 बज गए। चलो गाइस कोई नहीं, गुड आफ्टरनून। तो आज रक्षा जी बोल रही है कि एक बढ़िया से आपके लिए डिश बनाऊंगी, तो वो रेसिपी वो आपको ब्लॉग के अंदर दिखाएगी आगे। रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी पर चिकन दिखा दूंगी। तो थोड़े से बनते हुए मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी ना, तो मेरे को भी इतना नहीं, मैंने भी एक वीडियो में देखा था, अगर वो सही ना बना फिर मैं आपको आपको हो गए इसको खुद नहीं आ रहा बनाने, इसलिए पहले मैं बनाऊंगी फिर उसके बाद आपको रेसिपी दूंगी, अगर अच्छा बनेगा तो हम खाके। ठीक है तो देखते हैं कैसा बनता है, बाकी रात को ही पता चलेगा वो तो मुझे। तो फिलहाल मैं कायरा को पहले लेके आऊंगा और उसको मम्मी के पास छोड़ूंगा, फिर उसके बाद निकलेंगे काम पर। तो गाइस मैंने कुछ सामान मंगवाया था ऑनलाइन, तो वो आ गया, देख लेते हैं। जीने में तो कोई नहीं आया। हाँ जी मैं नीचे देख रहा हूँ भैया, आप ऊपर आ गए। पहले जीने में देखा मैंने, मैं जीने में देख रहा था पहले, जीना खोला लो। ठीक है थैंक यू। चिकन, तो गाइस चिकन भी मंगाया था, ये मेरा रिवाइव, ये तो बहुत बड़ा पैकेट है, चलो कोई नहीं यूज हो रहा है। ये भी दूध, इतना दूध मंगा लिया। ये हमारा सर्फ एक्सेल लिक्विड, कितने लीटर वाला? ये 2 लीटर। और ये मेरा फेस वॉश, मैं ये यूज़ करती हूँ बायोटिक का। और तो गाइस ये हमारी छाछ है, थैली वाली भी, ये भी, और ये जा गया, ये फ्री है विद ऑर्डर। अच्छा और ये हमारा व्हील, ये भी मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं जो चंद्र वगैरह धोती हूँ तो मैं सर्फ से धोती हूँ, और जो कपड़े धोते हैं हाँ से। और ये इनका शेविंग क्रीम। तो गाइस ये हमारा आज का ऑर्डर जो मैंने आपको जल्दी जल्दी दिखा दिया। तो गाइस कायरा को ले लिया स्कूल से, तो लेके चलते हैं इसको घर पर। कायरा देख और इसके मुंह में अभी रोटी है। बोलो हाय। क्या हो रहा है? हाँ कटाओ, तो सारा क्यों मुंह में लिया? One hour later. तो गाइस तो उसके बाद मैं आ गया था अपनी शॉप पर, तो यहाँ अभी फ़िलहाल कोई कस्टमर है नहीं शॉप पर क्योंकि काम इतना दिन के टाइम होता नहीं है, और यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह मैं दिखा रहा हूँ, और देख लेते हैं घर पे रक्षा क्या कर रही है। तो शाम का समय हो चुका है, कायरा भी उठ चुकी है। कह रही है गाइस देखो मम्मी ने यहाँ चिकन बनाया। तो गाइस सुबह आपको कपिल जी ने बताया था कि शाम को रक्षा चिकन बनाएगी तो उसकी रेसिपी देगी, क्योंकि वो रेसिपी मैंने आपको इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि वो भी मैं फर्स्ट टाइम, खुद भी मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी तो आपको क्या शेयर करती। और जब से पहले चिकन बन चुका है और मैंने थोड़ा टेस्ट भी करा है, बट चिकन अच्छा बना है, तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं अभी आपको
चिकन दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। तो सो गाइस चिकन बनके तैयार हो चुका है और देख सकते हो आप, देखने में ही अच्छा नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो गाइस बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा बट अभी कपिल जी का नहीं पता कि उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट आप उनके लिए भी उनसे पूछना और वो बताएंगे आपको कैसा बनाए। और मुझे तो अच्छा लगा खैर, तो जैसे भी उनको अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपके साथ ये रेसिपी, इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए रोटी, मम्मी को खाना देना है क्योंकि मम्मी भी हमारा इंतज़ार करती है कब भेजेंगे खाना। तो गाइस मैं भी उनके लिए रोटी बना दूँ, सब्जी मैंने उनके लिए डाल के रख दी है। और यहाँ खड़ी है मेरी कायरा, हेलो गाइस करो गाइस से। तो गाइस ये मेरी कायरा भी अभी निन्नू करके होती है, मेरा बच्चा। और देखो इसकी डॉल है, इसके पापा लेके आए थे इसके लिए, 500 की थी, नहीं 550 की थी, एक मिनट दिखाओ मेरे को, दो बेटा 550 की थी। तो गाइस इसने इसकी गर्दन आते ही फंस गई, आते ही इसके बहुत प्यारी लगती है जब ये चलती है, तो इसने आते ही इसकी गर्दन तोड़ दी। तो गाइस आज मैंने इसका ट्रीटमेंट करा है, मैंने इसकी गर्दन जोड़ी है। बट गाइस ये इसको कितनी देर तक कामयाब रहने देगी ये तो सिर्फ कायरा ही जानती है, क्योंकि ये जिद कर रही है मुझे दो मुझे दो, और ये इसको ज़्यादा देर तक ठीक रहने नहीं दे सकती, मेरा ट्रीटमेंट बेकार जाएगा। तो गाइस चलिए कपिल जी आते हैं, आपसे मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। कहाँ चली गई नानी? हाँ फोन में से चली गई, फोन में से चली गई। देखो मेरी डॉल टूट गई। तो गाइस डॉल के पीछे पागल हो चुकी है लड़की। तो गाइस मैं आ गया था अपने घर पर, कायरा का मेरे पास फोन आया था कि पापा मैं तो अपनी डॉल के लिए सेल चाहिए, ये इसकी डॉल है। और स्पेशल इसने डॉल के लिए मुझसे सेल मंगवाया है, जब से मैं आया हूँ तभी से लगी हुई है, और मैं नहा धो के फ्रेश भी हो गया हूँ, उससे पहले से ये लगी हुई है इसके साथ। तो गाइस करते हैं डिनर और आपसे मिलेंगे अभी थोड़ी देर में। हैं? ये तो पापा के पास जा रही है, पापा के पास आ रही है। इसके बाद तेरे ना सुनाई नहीं दे रही कुछ भी, और अच्छा बात कर रही है नरेश भाई से। अगर वो जाएगी तो कर ले आऊंगी, पर कॉल होगी। बज रहे हैं। हाँ यहाँ बेटी है और यहाँ देख लो भाई, तो म्यूचुअल फंड ले लिया मैं, रिटर्न अच्छे थे। अपनी डॉल को सजा रही है ये, और क्या ही कर पड़ता है, क्योंकि फर्क है से नहीं। वाओ देख लो गाइस, सब देखेगा तभी तो फर्क दिखेगा, सिर्फ एक चीज नहीं। समय हो चुका है और खाना खा चुके हैं हम, कपिल जी और मैं भी। कपिल जी गए अभी बाहर बर्तन रखने खाना खा के। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।